हेलो फ्रेंड्स, स्टार गौरव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूनिट 13 के केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 13 का नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। आज मैं पार्ट 11 बना रहा हूँ दोस्तों। इसके दो यूनिट और रह गई हैं, 14 और 16, यानी 15 यूनिट्स में से केवल ओटी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद ही, ठीक है। और दोस्तों, एक बात इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर टिक लगवाता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, ठीक है। अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ओके। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। इन अभिक्रिया में, ये सारी अभिक्रिया मैंने एक साथ दे दी है, क्योंकि ये सारी अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारी अभिक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, इनको आप अच्छे से याद कर लें। ये 2020 के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। इनमें से अभिक्रिया ज़रूर आएगी, एक या दो, तीन भी आ सकती है, क्योंकि इस यूनिट्स में से केवल रिएक्शंस आएंगी, ओके। थ्योरी वाले क्वेश्चन बाई चांस कोई चांस ही नहीं बनता है, यानी 100% में से 1% चांस बनता है, वरना कोई चांस नहीं बनता है। इसमें से रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, ओके। तो यह प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। दूसरा है, एनिलिन की निम्न से क्रिया को समीकरण एस्टिल क्लोराइड ब्रोमिन जल से, यानी एस्टिन इनसे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। यह भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ओके, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, अमोनिया की अपेक्षा मैथिल एमीन अधिक क्षारी होती है, क्यों, ठीक है। चौथा प्रश्न है, प्रयोगशाला में नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि का चित्र बनाकर उसके रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी केवल आपको इसमें चित्र बनाना है और रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है, थ्योरी याद नहीं करनी है, ओके। और पाँचवा है, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ठीक है। निम्न अभिक्रिया पूर्ण कीजिए है, रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ओके, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इनको पूर्ण करने के लिए आता है, ओके। तो आप बस इस यूनिट में से आप इतने ही याद कर लेना, ओके। जिन पे मैंने टिक नहीं लगवाए उनको ऐसा ना समझे कि छोड़ दें, पहले आप टिक वालों को याद करें, उसके बाद बिना टिक वालों को, ओके। अगर जो छात्र कमज़ोर है वो टिक वाले पहले याद कर लें, उसके बाद वैसे कर लेना, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।